नमस्कार, पेंटिंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम थाल पोच बनाएंगे। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है एक कपड़ा, एक फ्रेम, एक पुराना कपड़ा, पेंटिंग कलर्स, पेंटिंग ब्रशेस, पेंसिल या पेन, पानी से भरा हुआ एक बर्तन, एक ट्रे, एक फोम का टुकड़ा लगाने के लिए, मोती और सुई धागा, कार्बन पेपर, ट्रेसिंग पेपर। सबसे पहले हमने कपड़े को प्लेन जगह पे बिछाकर उसके बीच में थाली रखकर उसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा 3-4 इंच या जितना आपको रखना है, जितना बड़ा थाली पोष बनाना है उतना बड़ा कपड़ा राउंड शेप में हम काट लेते हैं। फिर उसके चारों तरफ इस तरह से हम मोड़ लेते हैं और उसके ऊपर ये लेस लगा लेते हैं। इस तरह से हमने एक छोटे से टुकड़े के ऊपर डिजाइन बना लिए और फिर उसी डिजाइन को हमने इस तरह रखकर बड़े ट्रेसिंग पेपर पर तैयार कर लिया ये देखिए। और इसी को फिर हमने इस तरह रखकर नीचे कार्बन पेपर रखा और कार्बन पेपर और इसकी मदद से फिर हमने इस डिजाइन को कपड़े पर उतार लिया ये देखिए। इसके चारों तरफ ये हमने मोती लगाए हुए हैं और ये जो इधर डिजाइन बनाया हुआ है ये है ढक्कन की मदद से। एक तो इस बोतल का ढक्कन है, एक इस बोतल का ढक्कन है, एक इस बोतल का ढक्कन है और एक सिक्के का ये पीछे वाला हिस्सा, इनकी मदद से हमने ये बनाया है। तो अब हम इसमें कलर भरते हैं। सबसे पहले हम ये बीच वाला भरते हैं। इसे हमने सिंपल तरीके से भर लिया है। पिंक में थोड़ा व्हाइट मिला के इसको लाइट कर लिया है। ये हमने फ्लैट ब्रश ली है एक नंबर की। सिंपल तरीके से इसको भर के अब हम इसके यहाँ इधर नीचे से पिंक कलर जो ओरिजिनल है ये बनाया इसे लगा के इस तरह से फैला देते इस तरह से। अब हम इनमें भरते हैं। इनमें हमने ये गोल्डन कलर भरा है और बीच यहाँ हमने ये व्हाइट लिया है। तो सबसे पहले हमने ये जो डस्ट सूखा जो होता है गोल्डन कलर इसको हमने ट्रे में लेकर इसमें थोड़ा सा मीडियम नंबर 1 मिला दिया और मिश्रण तैयार कर लिया। अब हम इसमें सिंपल तरीके से इस तरह से भरते हैं।
उसी ब्रश को जो फ्लैट ब्रश ली थी हमने एक नंबर की, उसी को धोकर फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कलर भर जाने के बाद हम व्हाइट कलर से व्हाइट कलर यहाँ लगाया और ऊपर की साइड फैला दिया। यहाँ बीच पे हम रेड कलर से भर देते हैं। पत्तियों में हमने ये लाइट ग्रीन को और भी लाइट कर लिया है। सबसे पहले इसके बीच में हमने इसी को भरा है, सिंपल तरीके से भर के बीच के हिस्से में, और किनारों पे ये जो लाइट ग्रीन है इसको इस तरह से लगाकर अंदर की साइड हम फैला देंगे। व्हाइट कलर से इसमें लाइनिंग कर देते हैं। यहाँ डंडियों में हमने सिंपल तरीके से ग्रीन कलर भरा है। अब हम ढक्कनों की मदद से यहाँ बनाते हैं। सबसे पहले हमने ये बड़ा वाला ढक्कन लिया, जहां जहां हमें ये बनाने हैं वहां हम पहले निशान लगा लेते हैं। और सबसे लास्ट में हम सिक्के की मदद से, और वो हम रेड कलर से कंप्लीट हो गया ये हमारा। ढक्कन की मदद से जब हम इसके ऊपर ये बनाते हैं तो उसके नीचे हम ये देखिए कई चीजें बिछाना ना भूलें। अब हम यहाँ भी जो फूल बीच में बनाए हैं उसके ऊपर भी हम बिल्कुल ऐसा ही मोती लगा लेते हैं। हमने इसके बीच में भी मोती लगा लिए हैं, ये देखिए। लगाने के बाद हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारा ये थालपोश, आप भी बनाइए। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।